बद्दुआ ले लियो, इसको इन सबको किसी को मत छोड़ना भगवान। ये मेरे हरे खेत में चलाया था बुलडोजर, हरे खेत में चलाया ये बद्दुआ। एक एक दाने के जैसे कृष्ण भगवान ने तरसे थे ना, तुम्हारी भी इस भगवान इस धरती में अगर भगवान है तो मोदी सरकार हाय हाय, इनकी सारी कमाई उत्तराखंड सरकार हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय, किसानों का यह हाल हो रहा है, मोदी सरकार हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय, राज्य सरकार हाय हाय, त्रिवेंद्र सरकार हाय हाय, ये पुलिस प्रशासन यहाँ आई है किसानों के हरे खेतों को, ये फसल लगी हुई खेतों को इस तरह जेसीबी से रौंदा जा रहा है, ये देखिए मोदी सरकार हाय हाय। मैं मर जाऊंगी, मेरी लाश को मत रोना बेटा, धरती में मेरे जवान रोए मत, बॉर्डर में मेरे जवान मर रहे हैं, मैं अपनी धरती पे मर रही हूँ, कोई मत रोना, लेकिन मैं ये नहीं होने दूंगी। ऐसा करने से तू बहुत बहादुर हो गया। ये मिडवे पाम के मालिक हैं, बड़े बड़े होटलों के मालिक हैं, ये छोटे किसानों को इस तरह परेशान कर रहे हैं, प्रशासन को हाथ की कठपुतली बना करके, और ये इस तरीके से हरे खेतों में जेसीबी चलाई जा रही है। यहाँ पे ये पटवारी साहब भी आए हैं, और यहाँ पे ये तुम्हारे मन में इतना जोर बसा है, कानून गो साहब भी आए हैं, प्रशासन से द्वारा ये कराया जा रहा है, और यहाँ पे किसानों को खेतों में खूंटे गाड़े जा रहे हैं यहाँ पे। और मैं अपनी जान तक लगा दूंगा इस वीडियो को वायरल करने के लिए, और इस तरह से ये ऋषिकेश की तहसील ये सब मिलकर के किसानों के खेतों का इस तरह से बर्बाद कर रहे हैं। बड़े बड़े होटलों के मालिक किसानों की जमीन ऐसे कब्जा रहे हैं, ये मोदी सरकार में हो रहा है, त्रिवेंद्र सरकार में हो रहा है, ऋषिकेश में उत्तराखंड में हो रहा है। ये वशिष्ठ और का परिवार ये सब करवा रहे हैं, उनके पास बड़े बड़े होटल हैं।